लाइफ से। जी तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और रेसिपी मज़ेदार सी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे वाला बर्गर, जो कि बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है। कुछ अंडे वाले बर्गर ऐसा नामुमकिन है कि कोई उसका दीवाना ना हो। मतलब बहुत मज़ेदार सा होता है, सब बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए जी, आए हम मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले मुझे शामी बनाने हैं दाल के, ठीक है। तो चलें आए हम मिलके उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और पहले हम मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब चने की दाल ली है। मैंने 2 से 3 घंटे हो गए मैंने इसको भिगो के रखा था, तो ये मैं बर्तन में डाल दूँगी। इसमें मैं भर के पानी डाल दूंगी कि इतना पानी हो कि हमारी दाल अच्छे से डिप हो जाए और अच्छा सा कुक हो जाए और गल जाए। और यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ी सी बोनलेस चिकन है, ये मैं डालूंगी इसमें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये भी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। चलिए जी, यहाँ पे मैंने दाल रख दी है, दाल के अंदर मैंने चिकन डाली है। यहाँ पे मैं एक इसमें किनौर क्यूब डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। और हम इन सब मसालों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद अब हम इसको ढक के कवर करके थोड़ा पकाते हैं कि हमारी दाल अच्छी सी गल जाए और मज़ेदार सा हमारा जो ये शामी का बैटर है मज़ेदार सा रेडी हो जाए, फिर हम अपने बर्गर्स बनाएंगे। इसको अब मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। और अब हम चलते हैं जो बर्गर की जो सबसे मेन चीज़ है, बर्गर की चटनियाँ। अब हम चटनी बनाते हैं, वरना अगर चटनी ना हो तो हमारे बर्गर का मज़ा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पर आपको 3 तरह की चटनी बनाना बताऊँगी जो बर्गर के साथ खाई जाती है और जो बहुत मज़ेदार सी लगती है। चले आए हम अपनी चटनी की जब तक हमारी दाल पक रही है हम यहाँ अपनी चटनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हैं 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ठीक है। उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी और ये 1/2 से भी कम मेरे पास नमक है, ये डालूंगी मैं। उसके बाद ये 1 कप पानी, मैं इतना इसमें पानी डालूंगी कि हमारी मिर्चें अच्छे से भीग के और पिस जाएं। अब हम इसको पीस लेंगे। चलिए जी, बर्गर के साथ यहाँ पे हमारी एक चटनी तो तैयार हुई है। अब हम दूसरी चटनी को बनाएंगे, इसी जग में मैं बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मुट्ठी के करीब पिसवा ओ हरा धनिया सॉरी, और 2 हरी मिर्चें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है दही। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छा सा, और नमक हम डालेंगे इसमें, लेकिन हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि हमें देखना है नमक हर चीज़ में, तीनों चटनियों में जाएगा तो नमक हमारा टेस्ट ना हो जाए, इसलिए अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चटनी हमारी ब्लेंड हो गई है, बाकी ये मेरे पास जो दही है मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं ये जो मैंने ब्लेंड किया था ये इसमें मिला दूंगी
बहुत मज़ेदार सी चटनियाँ बनती हैं, मतलब ये समझ लें बर्गर की जान है चटनियाँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे अंडे वाले बर्गर को। तो बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये मेरे पास थोड़ा सा नमक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी चटनी में। ये हमारी दूसरी चटनी रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी चटनी की तरफ। चलिए जी, बर्गर की दो चटनियाँ हमारी रेडी है। अब यहाँ पे जो है हम तीसरी चटनी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। इसको हम पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने ब्लेंड कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इमली का पानी लिया था, मतलब इमली भिगो के उसका पानी मैंने ले लिया है। उसमें मैं ये जो मैंने हरी मिर्चें और पानी पीसा है ये मैं इमली में मिला दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल ज़रा सा नमक, अंदाजे से। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून शुगर, और फिर हम इसको इमली के पानी और हरी मिर्चों को अच्छे से पका लेंगे चूल्हे पे। ये मैंने 1 टेबलस्पून में शक्कर डाली है। और अब हम इसको पकाएंगे पैन में और इसको हम थिक कर लेंगे। तो एक मज़ेदार सी चटनी ये भी हमारी रेडी है। हमारी तीनों चटनियाँ देखें रेडी है बर्गर की। अब मैं इसको पहले पकाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को उसका फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें हमारी जो दाल का हमने चढ़ाया था कबाब का बैटर, ये यहाँ पे रेडी हो रहा है। दाल हमारी 90% बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं तेज़ आंच करके इसका पानी सुखा लूँगी इसी में। इसका पानी हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने जो सारे इसमें मसाले डाले हैं जो सब, मतलब वो मतलब सारा जायका चला जाएगा अगर हमने इसका पानी फेंक दिया। तो हम इसको पानी को तेज़ चूल्हा करके सुखाएंगे। ये देखें दाल बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसको तेज़ आंच करके इसका पानी सुखा दूँ। फिर मैंने ये तीसरी चटनी जो थी इमली का पानी और शक्कर जो मैंने डाली थी वो मैंने पका ली है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा होने के लिए थोड़ी थिक हो जाएगी अच्छी सी। तो चले अब हम इसको ठंडा करने रखते हैं। चले जी, ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी दाल जो है अच्छी सी हो गई है, इसका पानी सूख गया है। अब इसको मैं चॉपर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। पर पहले हम इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे। चिकन का रेशा हम अलग हाथ से करके अच्छा सा रेशा बना के डालेंगे। अगर हमने दाल के साथ चिकन पीस दी तो वो मज़ा नहीं आएगा, सारी जो चिकन है वो हमारी मिक्स दाल में मतलब टूट के हलवा सी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको निकालती हूँ और इसको ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मज़ेदार सी हमारे अंडे वाले बर्गर का जो कबाब है दाल का, वो रेडी है। चलिए जी, यहाँ इसमें मैंने दाल डाल दी है चॉपर में। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद ब्लेंड करके हम इसकी पेटी बना, चलिए जी। ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने दाल को पीस लिया है। उसके बाद मैंने जो चिकन निकाली थी अलग वो मैं इसमें मिला दूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स करके चिकन के साथ इसकी पेटी बना दूँगी। उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं और अपने बर्गर को रेडी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं ये पेटी की शेप मैंने बना ली है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन से। उसके बाद फिर हम हमारी पेटी फ्राई हो गए, फिर हम अपने बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, मतलब आप लोग मज़ेदार सी रेसिपी घर में बना के साफ सुथरे अंदाज से अंडे वाला बर्गर खा सकते हैं। बाहर तो
इतना सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता बाहर, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को और फैमिली को ज़रूर खिलाएं। मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर, और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें यार आप लोग, ताकि मुझे आइडिया हो ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे मतलब फीडबैक ज़रूर दो आप लोगों को, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही। मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, बल्कि मिल रहा है आप लोगों का प्यार। काफ़ी सारे मेरे पास माशाल्लाह से सब्सक्राइबर आ रहे हैं और काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो से, लेकिन आप लोग कमेंट्स लाइक करो तो मुझे और पता चलेगा कि भाई आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। फिर मैं आप लोगों की और मज़ेदार सी रेसिपीज लेकर आऊँगी। चलो जी, यहाँ पे जो है हमारे कबाब, दाल के कबाब फ्राई हो रहे हैं, मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। थोड़ी जी मैं इसकी शेप ख़राब कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब मज़ेदार से बने हैं। अब हम इसको निकालते हैं और यहाँ पे हम अपने दूसरे कबाब फ्राई करते हैं। चलिए जी, बर्गर के कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हमें जो हमारे बन हैं इनको थोड़ा सा हम टोस्ट करेंगे। यहाँ पे हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, उसके बाद मैं मतलब ये ऑयल थोड़ा सा करके मैं इसको थोड़ा थोड़ा टोस्ट करूँगी। चलिए जी, यहाँ पे जो हमारा बर्गर है बहुत अच्छा सा टेस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे केचप, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बनाई थी अपनी हरी मिर्चों वाली चटनी, ये वाली, ये हम इसमें डालेंगे और इसको ऐसे मतलब पूरा अच्छा सा स्प्रेड कर देंगे इसको। जल्दी से मैं चेक कर रही हूँ हमारा बर्गर, तो हमने यहाँ पे चटनी डाली है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी शक्कर के साथ, ये मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये हमारा कबाब है, एक उठा के इसको हम यूं करके फैला देंगे। बहुत मज़ेदार सा मतलब बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी में, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऐसे हमने इसको मतलब स्प्रेड कर दिया अच्छा सा। मैंने एक अंडा लिया है, सही है। उसके बाद मैं अंडे में ये जो मैंने हरी मिर्चों की चटनी बनाई थी, पानी और हरी मिर्चों की चटनी, ये मैं इसमें 1 स्पून डालूँगी और इसको हम बहुत अच्छा सा फेंट के, मतलब जितना हम अंडे को फेंटेंगे ना, ये बहुत अच्छा सा और बहुत मोटा सा अंडा बनता है। आप देखिए जैसे अंडे वाले बर्गर वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा अंडा बनता है। देखिए मैं किस तरह फेंटती हूँ, इतना फेंटना है। चलिए जी, अब यहाँ पे हम अपने बर्गर के लिए अंडा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑयल डाला है, देखिए यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ बर्गर के लिए। उसके बाद हम इस अंडे को बर्गर में लगाएंगे और हमारा बर्गर मज़ेदार सा रेडी है। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना यम्मी सा बना है। देखिए हमारे अंडे की कितनी मज़ेदार सी शक्ल आई है, बहुत मज़ेदार सा ये कितना मोटा सा और कितना मज़ेदार सा अंडा यहाँ हमारा बना है। देखिए इसको हम अच्छा सा और सेकेंगे, देखिए कितने मज़ेदार से यहाँ अंडे की हमारी शक्ल आई। चल जी, यहाँ पे हमारा हमने कबाब लगा दिया है। अब हम इस अंडे में बर्गर में अपने प्याज रखेंगे। उसके बाद इसमें मैं मायोनीज डालूँगी। जो मैंने दही की चटनी बनाई थी थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी।
चलिए, हमारा जो मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर है वो रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ टोस्ट करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल इसकी शक्ल। थोड़ा सा हम अच्छा सा सेकेंगे। यहाँ पे मैं सेकने के बाद इसके अंदर जो मैंने अंडा फ्राई किया था अंडा लगाऊंगी और हमारा जो बर्गर है वो रेडी है, मज़ेदार सा। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मज़ेदार सा हमारा अंडे वाला बर्गर, चटनियाँ सब रेडी है। और ये देखिए इसकी शक्ल, देखिए कितना मज़ेदार सा बना है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।